निकाले ना तुम जो तुम जो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम कच्चे कीमे का कबाब बना रहे हैं। आधा किलो चिकन कीमा है और नींबू का रस, आधा किलो लहसुन का पेस्ट और कुटा हुआ धनिया और मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्च, हींग और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ बेसन 8 चम्मच। हम इसमें 2 चम्मच 2 चम्मच फाय का इधर आओ। आपको ए फाय का इधर आ गया, मेरा थोड़ा सा दे पता दिखाओ, इधर दिखाओ, मेरा फेस मत दिखाओ। 2 चम्मच अदरक लहसुन, 1 नींबू का रस, कुटी हुई मिर्ची, धनिया, जीरा, धनिया पिसी हुई और घी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और ये कसूरी मेथी। क्या ले रहा है? और 8 चम्मच नमक, धनिया प्याज और हरी मिर्ची सब चॉप की हुई। अच्छा तो नहीं बैठेंगे मैश करके 1-2 घंटे भी इसको मैरिनेट करने के लिए रहते हैं। इसमें ऑयल भी डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल, हाँ छोटा चम्मच इसमें दो, और पुदीना, ड्राई पुदीना निकालो, मैं पॉज कर दो बता दो ना। तो हमने इसको सूखा हुआ पुदीना डाला, मैश करके बेटे सही लग रहा है, थोड़ा सा कम है से? और कम होगा, थोड़ा सा ही कम, बस 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 बस। खुशबू कैसी आ रही है का? बहुत अच्छी आ रही है। इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके कोयले को रख देंगे। कोयला नहीं, कहाँ से कोयला ना, कोयले का बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सीख कबाब बनाएंगे, कोशिश करेंगे सीख कबाब बने, नहीं तो फिर राउंड कबाब शैलो फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई में बहुत ऑयल जाता है, तलने पर बताएंगे। कुछ है नहीं हमारे पास, इसलिए इसलिए जो है हम लोग पेंसिल से, है ना,
पेंसिल से बना रही सीख कबाब। अभी कितने घंटे हो गए? आज सुबह कर दे बेटा, दो घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। तेल लगा के बाद में कि एक तरफ का हो जाएगा फिर इसको अच्छा आइडिया है पेंसिल वाला आइडिया हो गया, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना लोहे की सरिया में बनवा के लेंगे, ये पेंसिल वाला जो है ना। इसको करें क्या पलटे स्पून ले लो, स्पून लीजिए ये भी हल्का रखे अच्छे से है खूब अच्छा मटन एकदम दो घंटे में एकदम सॉफ्ट हो गया एकदम लाभी पीन तो अच्छे लगते हैं ना उसके। हाँ हम लोग खाना खाने जा रहे हैं तो फिर इस टाइम तला नहीं था तो बताया नहीं कर रहा लेट नहीं कर रहे ना पापा। अभी जो है ये साइड करते जाएंगे क्या जो बोला नहीं था, मेरे को धुआं देख के बनाना, धुआं दो ना जी बहुत टेस्टी होता है। ये साइड करते जाए जो भी थोड़ा थोड़ा हुआ है ना जी। ये पीछे क्या दाल हो रही है? हाँ दाल तो हो गई है, थोड़ा सा अपना देख रहे थे गली में रख हमारे कबाब रेडी हो गए, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आप सब भी आइए। और कैसा ब्लॉग लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।